अब जो भी लोग ज्वाइन किए हैं, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन एयर, जो क्वेश्चन एयर लेक्चर सिर्फ देख रहे हैं उनको भी वेलकम, और रेगुलर बैच वालों को भी वेलकम। हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का क्वेश्चन एयर इसमें पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम एनसीएलटी का क्वेश्चन एयर कवर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं सबको नोट लिखने के लिए बोलना चाहूंगा, खास करके रेगुलर बैच के स्टूडेंट को जो क्वेश्चन एयर वीडियो देख रहे हैं सिर्फ, कोई भी बैच नहीं किया है सिर्फ क्वेश्चन एयर वीडियो देख रहे हैं, उनको नोट लिखने की जरूरत नहीं है, पर रेगुलर बैच के वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि नोट लिख के रखिए यहां पर, और लिखना जो भी मेरे रेगुलर बुक्स रेफर कर रहे हैं मैं उनको लिए बोल रहा हूं, लिखना देर आर मेनी केस लॉज गिवन इन द क्वेश्चन एयर, यहां चैप्टर के साइड नाम के साइड में ही नोट लिख के रखना, देर आर मेनी केस लॉज गिवन इन द क्वेश्चन एयर, इन अ क्वेश्चन एयर फॉर रेफरल पर्पज, फॉर रेफरल पर्पज फुल स्टॉप, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड एडवाइज्ड ओनली students are advised only to refer students are advised only to refer and write those case laws refer and write those case laws which are in regular book which are in regular book in regular book the extra case laws in the questionnaire the extra case laws in the questionnaire they can read and skip or if they wish they can also remember the same if they wish they can also remember the same theek hai ye regular batch walon ke liye note ab jinka questionnaire hai unke liye note likh ke rakhna Remember all the case laws of the questionnaire. Remember all the case laws of the questionnaire. If you are not referring regular book, if you are not referring regular book, ठीक है, full stop. चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नोट पहले दे दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्या है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के ऊपर इतने केसेस है, आप ऐसा कह लो कंपनीज एक्ट में सबसे ज्यादा केसेस चलने वाला चैप्टर यही है, तो इतने केसेस है, और बात भी सही है ना, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट तो कंपनी में होता रहेगा, केसेस बढ़ते रहेंगे, तो क्या हम सब थोड़ी ना याद करेंगे, तो हमने रेगुलर बैच में सिर्फ लैंडमार्क केसेस याद किए हैं, जो अगर आप लिखो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है कांसेप्ट, इसलिए आप उतने ही याद करो, और भी ज्यादा केस लॉस क्वेश्चनर में मैंने दिए है वो याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो बिंदास कर सकते हो, मैं कौन होता हूं रोकने वाला जो पढ़ना चाहता है उसको, ठीक है, तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, रेडी लेट्स गो, नाउ विल स्टार्ट J09 एंड J99 का वीडियो है। हाँ, कुछ बच्चों ने ये रिव्यू डाला है, सर आपने बोला था May 02 से आप क्वेश्चन दोगे, और आपने सर June 1999 J09 वगैरह के भी सवाल देके रखे हैं, सर ये कहां है सर, ये सही नहीं है सर, तो मैं उनको पूछना चाहूंगा मैंने ज्यादा सवाल देके फिर गलती कर दी है या अच्छी बात है, मतलब रिव्यू कुछ भी रिव्यू लिखना, ज्यादा सवाल दिए कि ज्यादा सवाल क्यों दिए, कम कम क्यों दिए, अबे ज्यादा सवाल है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इसको जरा समझिए सर, इससे हमारे ऊपर एडिशनल बर्डन होता है, हम सीए में हैं, हमें बचपन से ही एडिशनल बर्डन लेना चाहिए, वो तो तुम्हारी आंखें फाइनल में आके खुली है इसलिए तुमको एडिशनल बर्डन महसूस हो रहा है, ये तो पहले से ही होना चाहिए था सीए फाउंडेशन से, जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ सकते हो उतना पढ़ना, सो प्लीज ऐसी चीजों के रिव्यूज ना पोस्ट कीजिए, इसमें कोई सेंस नहीं है, ठीक है, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना, स्टेट द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर फाइलिंग एन अप्लीकेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, मतलब ऑपरेशन का अप्लीकेशन फाइल करने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर फाइलिंग एन अप्लीकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ऑपरेशन, द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड फॉर फाइलिंग एन अप्लीकेशन वो ये है जो दिए गए हैं सेक्शन नंबर 244 के अंदर, 100 members, 1/10 of total number of members or 1/10 of issued capital holders, basically ये लोग ही application file कर सकते हैं, guarantee company होंगी तो 1/5 of total number of members application file करेंगे, और अगर ये central government है तो central government सुमोटो भी application कर सकता है, देखो guarantee company at least 1/5 of total number of members, complaint against which the application may be made to tribunal, any member can make a complaint to tribunal regarding the same, the affairs of the company has been conducted in a manner prejudicial to the public interest or oppressive to any member or prejudicial to the interest of company, material change in the management has take place which is alteration in the board of directors managers, theek hai, inke ownership mein
और एनी अदर मैनर व्हाट्स ओवर. इट इज लाइकली दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड द मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कंडीशन है जो अप्लीकेबल है फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. दूसरा M07, M05, 60% ऑफ द शेयर्स ऑफ इंडो फ्रेंच लिमिटेड आर हेल्ड बाय द फ्रेंच ग्रुप एंड बैलेंस बाय द इंडियन ग्रुप. ठीक है, 60% शेयर्स इंडो फ्रेंच के फ्रेंच ग्रुप ने होल्ड किए थे और बैलेंस इंडियन ग्रुप ने. एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बोथ द ग्रुप हैड इक्वल मैनेजरियल पावर. द रिलेशनशिप बिटवीन अ टू ग्रुप्स सोर्ड एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रीच टू अ डेडलॉक. ठीक है, कंपनी में डेडलॉक हो गया. द इंडियन ग्रुप अप्रोच द कंपनी लॉ बोर्ड, मतलब फिलहाल जो एनसीएलटी है, फॉर एक्शन अगेंस्ट फ्रेंच ग्रुप फॉर द ऑपरेशन एज स्टेटेड इन सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट. बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स डिसाइड द फॉलोइंग इशू, वेदर द कंटेंशन ऑफ द ऑपरेशन अगेंस्ट द फ्रेंच ग्रुप बाय द इंडियन ग्रुप इज टेनेबल, वॉट आर द पावर्स ऑफ एनसीएलटी इन दिस रिगार्ड. MRI Company Limited, a closely held company, एक और सवाल है. MRI Company Limited, a closely held company, comprises of two groups of shareholders, one foreign and the other is Indian. ठीक है, the foreign group hold 55% and Indian group hold 45% of the shares of the company. The article of association of company provided all the matters of the mutual understanding of both the groups. The article also contained the provision enabling two groups to enjoy the equal amount of managerial power. The relationship between the two groups could not last for longer time. ठीक है, and difference arose. The group could not operate, leading to deadlock. The Indian group therefore complained to the tribunal for action against the foreign group for operation, referring to the provisions of the Companies Act 2013 and decide. ठीक है, तो मैंने यहां पे अब mismanagement के cases देके रखे हैं. पहला मैंने केस दिया है सुरेश कुमार संघई वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड, जो है डिस्प्यूट अमॉन्ग डायरेक्टर्स रिजल्टिंग इन सीरियस प्रिजुडाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ये मैंने पहला केस लॉ दिया है. राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन, ऑपरेशन सिर्फ मेंबर्स के ऊपर हो सकता है. शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, सिर्फ ऑपरेशन दिखाना जरूरी नहीं है, इट शुड बी इक्विटेबल कॉस्ट फॉर वाइंडिंग अप. हमने केस लॉज के अंदर यह देखा है. ये तीन केस लॉज तो मैंने मेंशन करने ही है. इसमें से राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्ण और शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब या ऑपरेशन के केस में हमेशा लिखना, क्योंकि ये दो केस लॉज हर बार आपको लगेंगे, बिकॉज दीज आर लैंडमार्क जजमेंट एंड एम्प्लीफाइंग द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन. सो दीज आर कंपल्सरी इन द केस ऑफ ऑपरेशन. अगर आप ऑपरेशन का आंसर कर रहे हो तो दीज आर कंपल्सरी टू राइट. अगर आप ऑपरेशन का आंसर कर रहे हो तो इन केस ऑफ ऑपरेशन ये चीज को आपने समझना जरूरी है. द पावर ऑफ एनसीएलटी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर डिस्क्रिशनरी इन द कैरेक्टर. कंपनीज एक्ट 2013 में ये डिस्क्रिशनरी है. अपार्ट फ्रॉम जनरल पावर एनविसीज्ड इन 242 एनसीएलटी मे हैव अ पावर अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. एक्सप्लेनेशन इन द गिवन केस डिस्कस्ड एज फॉलोस. अब देखो मैंने एक्स्ट्रा केस लॉ भी देके रखा है जानबूझ के, सो दैट आपको तकलीफ ना हो और आप चाहो तो उसको याद करो, पर ये एक्स्ट्रा है. अगर आप ये तीन केस लॉज लिखते हो तो ये चौथा लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप लिखना चाहते हो तो इट्स गुड. कुछ नहीं से कुछ तो सही. ये मिनिमम डिफेंस है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स जो सिक्योर करने चाहिए तीन चार, चार में से साढ़े तीन चार जो भी है. और अगर आपने ऐसे कोई केस लॉज एक्स्ट्रा कोट करके तो पूरे चार भी आपको मिल सकते हैं. क्लियर है? पर इतने केस लॉज याद करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने कुछ केस लॉज सेग्रीगेट करके दिए है कि इतने तो मिनिमम याद करने ही है. ठीक है, दीज आर ऑप्शनल, ये आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो चाहो करो, नहीं करना चाहो तो इट्स ओके, नॉट अ इशू. Both the group of the foreign companies are equally strong and one is unable to oppress the other. ठीक है, क्या बोला गया है? Both the groups are equally strong and one is unable to oppress the other, as may be deadlock but no operation. It is not a case for winding up of the company and so relief under 241 is not available. ये हमने ऑलरेडी देखा था कि इट इज अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट नॉट अ ऑपरेशन. अभी इस केस में कौन सा, मतलब इन्होंने ये केस लिखा है, मैं कौन सा लिखता था? सुरेश कुमार संघी वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड, बिकॉज डेडलॉक अमाउंट मैनेजमेंट इज अ मिसमैनेजमेंट जिससे वाइंडिंग अप नहीं होता, तो इसे आप ऑपरेशन का रिलीफ नहीं मान सकते, मिसमैनेजमेंट का मान सकते हो. ठीक है, thus the contention of Indian group that the foreign group is acting in a manner oppressive to Indian group is not tenable. The power of NCLT under 241 are discretionary in the character. NCLT may order a foreign group to buy out a minority group shareholder at a fair price with a necessary permission to be held. ये एक और केस दिया है
यशोवर्धन साबू वर्सेस ग्रॉस बेक साबू लिमिटेड, और ये सभी केस ऑप्शनल है, जो जो ऑप्शनल है मैं सबको लिख के रखूं, मेरे को प्लीज क्वेरी ना पूछना कि सर इसको याद करने की जरूरत है क्या, तो मैं इसको लिख के रखूं, ये ऑप्शनल केसेस है, ऑप्शनल, जहां पे भी ऑप्शनल है वहां मैं बड़ा ओ छोटा ओ ऐसे बना के रख दूंगा, ठीक है। सो जो जो भी केसेस ऑप्शनल है और जो कंपल्सरी है वहां पे मैं सी बना के रखूंगा, सो इट इज कंपल्सरी, इट इज सी। नाउ सी, ये यशोवर्धन साबू वाला केस, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। नीचे, हाउएवर वेयर देयर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बोथ द पार्टीज फेल टू बाय द अदर ग्रुप, द कंपनी वॉज वाउंड, सॉरी, बोथ द पार्टी अगर एक दूसरे को एक्वायर नहीं कर सकते, कंपनी वॉज वाउंड अप अंडर जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज, कंपनी विल वाउंड अप चाहिए, वॉज नहीं, कंपनी विल वाउंड अप अंडर जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज, कृष्ण लाल आहूजा वर्सेस कुरेश कुमार आहूजा, ये चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। आगे, सिंस इट इज नॉट अ केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, द जनरल रिलीफ अंडर सेक्शन 241 इज नॉट अवेलेबल, नॉट अ केस ऑफ वाइंडिंग अप, 241 नॉट अवेलेबल, स्ट्रेट अवे बोला गया है। सेम केस, ज्ञाना संबंधम, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम दिया है, ज्ञाना संबंधम, स्पेलिंग याद करते करके तुम्हें को नानी याद आ जाएगी सबको, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इतना बड़ा केस लॉ याद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिलेक्टेड केसेस दिए हैं, और वो भी कोयम्बतूर का केस है, मतलब कोयम्बतूर ट्रिब्यूनल का होगा बेसिकली, क्योंकि हाईकोर्ट तो चेन्नई में है, ठीक है। आगे, डज द कंटेंशन, अच्छा ये एनसीएलटी के केसेस देके रखे हैं मैंने, सो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। आगे, उसके बाद में, डज द कंटेंशन ऑफ इंडियन ग्रुप दैट फॉरेन ग्रुप इज द ऑपरेसिव इज नॉट टेनेबल, कंटेंशन ऑफ इंडियन ग्रुप, इन अ गिवन केस बोथ द ग्रुप्स फेल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू बाय एनसीएलटी, माई ऑर्डर टू बी बाउंड अप, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ सकता है, अगर कोई भी ग्रुप ने किसी को परचेस नहीं किया तो। ऐसे सवाल आते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में, तो सिर्फ मतलब समझ गए अभी किस लेवल के सवाल आते हैं, तो बड़े अच्छे से, पहले तो सवाल पढ़ के समझ में ही नहीं आता साला लिखे क्या, ठीक है, ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होगा, सवाल पढ़ के समझ गए नहीं, डायरेक्टर में अभी तक कैसा हो रहा था, पढ़ रहे थे समझ में आ रहा था ये लिखना है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में श्योर होगा समझ में ही नहीं आएगा साला क्या लिखे इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इसीलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ ले कि आपको समझ में आए कि क्या लिखना है, ये इसी का ट्राय है, ठीक है। नवंबर 03 का सवाल है, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर बैडविल मशीनरीज लिमिटेड फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर एनसीएलटी अलीजिंग वेरियस एक्ट्स ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट बाय मिस्टर बिग फिश द मैनेजिंग डायरेक्टर, मिसमैनेजमेंट का है बिग फिश के खिलाफ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिज एसोसिएट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग बिफोर द एनसीएलटी, द ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेड कंपनी कंटेंडेड दैट अलीज ट्रांजेक्शन हैड टेकन प्लेस सेवरल ईयर्स एगो एंड कंपनी हैज ऑलरेडी रिमूव्ड द मैनेजिंग डायरेक्टर हु हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ ट्रांजेक्शन एंड हेंस देर इज नो केस बिफोर एनसीएलटी, क्लियर है, टू इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द सबमिशन ऑफ द बिहाफ ऑफ द कंपनी द एप्लीकेशन सबमिटेड दैट ऑल्दो बी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन वेयर डन इन द पास्ट एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज बीन रिमूव्ड बट द कंपनी इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द पर्सन हु आर इन लीग विथ अर्स्टवाइल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आर वर्किंग इन हिज हेकमैन, स्टेट द मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब सवाल क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर था पहले, फ्रॉड करता था, उसको रिमूव कर दिया, फिर भी उसके जो चेले चमचे हैं वो अभी भी कंपनी में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं उस मैनेजिंग डायरेक्टर के बिहाफ पे, ये एलिगेशन ठोकने की कोशिश की जा रही है, बताइए एलिगेशन सही है या नहीं। फ्रॉड हो गया, डायरेक्टर रिमूव भी हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके चेले चपाटों के खिलाफ एप्लीकेशन है, बताइए क्या होगा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, तो जरा देखना। अंडर 241 कैन बी मेड व्हेन अ एक्ट इज अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑपरेशन शॉल कॉन्स्टिट्यूट टिल डेट फ्रॉम टिल डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन तक वो एक तो ऑपरेशन होना चाहिए नहीं तो मिसमैनेजमेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने लैंडमार्क केस देखा था आर एस माथुर वर्सेस एच एस माथुर, ठीक है। अप्लीकेशन अबाउट पास्ट एक्ट और रॉन्ग डन इज नॉट मेंटेनेबल, ऑपरेशन मस्ट बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस, मिसमैनेजमेंट कैन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर, ऐसा आप चाहिए तो साइड में भी लिख सकते हो, ऑपरेशन should be present and continuous, mismanagement can be present and continuous and future, future का भी mismanagement आ सकता है, ठीक है। फिर facts of the case किए हैं, so
द एप्लीकेंट कंटेंडेड दैट इवन दो ट्रांजेक्शन वॉज हेल्ड इन द पास्ट द कंपनी इज अंडर कंट्रोल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द लीग ऑफ एमडी. कंपनी अभी भी उस पर्सन के कंट्रोल में है जो उस एमडी के साथ वास्ता रखता है. सो इवन दो मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिमूव्ड द पर्सन एसोसिएटेड विद मैनेजिंग डायरेक्टर इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इफेक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट इज स्टिल सबसिस्टिंग ड्यू टू इट. इन सच अ क्वेश्चन यू कैन टेक द अजम्पशन दैट कंटिन्यूअस इंपैक्ट इज स्टिल देयर एंड ऐसे सिचुएशन में आप ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्लेम कर सकते हो. सो एंड यहां आगे ऐड कर दो एंड कैन क्लेम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. क्लियर कंसेप्ट, ये चीज को याद रखना. अगले सवाल पे जाते हैं. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एज कंटेंड इन सेक्शन 241 ऑफ द एक्ट एग्जामिन वेदर फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द कंपनी अमाउंट टू ऑपरेशन. अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स बाय डायरेक्टर टू अ कंपनी बाय विच एग्जिस्टिंग मेजोरिटी इज रिड्यूस टू माइनॉरिटी. कंपनी का एग्जिस्टिंग मेजोरिटी है, ये रिड्यूस हो गया है माइनॉरिटी में, तो केस आएगा रश्मि सेठ वर्सेस चेमिन लिमिटेड. रश्मि सेठ वर्सेस चेमिन, क्लियर है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर बाय विच द एग्जिस्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर मेड मेजोरिटी. सेम केस लॉ. अ शेयर सेल एग्रीमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय वीसी एन एनआरआई. द शेयर्स ट्रांसफर्ड डिड वेयर हैंडेड ओवर टू एन एस्क्रो एजेंट. द सेल वॉज सब्जेक्ट टू आरबीआई परमिशन. द शेयर वेयर नॉट ट्रांसफर्ड फॉर सिक्स ईयर सिंस आरबीआई परमिशन वॉज नॉट रिसीव्ड. वीसी आफ्टर राइटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम रेज द इश्यू एंड कंप्लेंट ऑफ ऑपरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर. एज पर द एग्रीमेंट द सेल वॉज अनकंडीशनल. ड्यूरिंग द अबव पीरियड वीसी डिड नॉट एक्सरसाइज एनी राइट्स एज अ शेयर होल्डर नॉट कंपनी ट्रीट हिम एज अ मेंबर. तो ये सवाल को स्टार मार्क करना, बहुत जबरदस्त सवाल है और ये काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको जरा ठीक से देखना, बहुत जरूरी है. मैं पहले तो चाहूंगा कि आप इसका रश्मि सेठ वर्सेस केमिन इंडिया जो मैंने बोला था वो उन्होंने मेंशन किया है, साथ में पर्सी मिल्स का भी एक दिया है केस, नीडल इंडस्ट्रीज वाला भी केस एक और मेंशन करके रखा है. ठीक है, डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग मेजोरिटी रूल के लिए रेफरल केस है ग्लूको सीरीज वाला, ये ऑप्शनल है तो मैं कंपलसरी वाला बोल दूं. कौन सा है? रश्मि सेठ वर्सेस केमिन इज कंपलसरी, पर्सी मिल्स इज ऑप्शनल, नीडल इंडस्ट्रीज कंपलसरी, दिस ग्लूको इज ऑप्शनल. ठीक है, आगे वी सेबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल्स कंपलसरी, जलंधर चक्रवर्ती इज कंपलसरी. ठीक है, ये दोनों केस लॉस. तो ये यहां आंसर दिया है. अब ये मेरे को खास आंसर कौन सा लगता है, ये वाला, वेयर शेयर एग्रीमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय एनआरआई एंड स्क्रिप्ट ट्रांसफर डिड वेयर हैंडेड ओवर टू द एस्क्रो एजेंट एज अ सेल वॉज सब्जेक्ट टू आरबीआई परमिशन फुल कंसिडरेशन ऑफ मनी वॉज रिसीव्ड देन सच अ पर्सन आफ्टर लैप्स ऑफ 5 years कैनॉट रेज अ इशू ऑफ ऑपरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर. 5 साल हो गए हैं शेयर ट्रांसफर करके, आपने उस वक्त इशू रेज नहीं किया, अभी आप ऑपरेशन का इशू रेज नहीं कर सकते. एज ट्रांसफर रिमेंड इन द अबेंस अवेटिंग आरबीआई अप्रूवल. एज पर फैक्ट द सेल ऑफ द शेयर वॉज अनकंडीशनल एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एंड देर वॉज नो क्लॉज टू रेंडर द सेल एग्रीमेंट infrastructure infectious after lapse of the stipulated time. Also during a long intervening period neither the NRI exercised any right as a shareholder nor the company treated him as a member. तो ऐसे situation में इसे operation नहीं कहा जाएगा. So it is not operation under Rajiv Mehta Group 4 Securities Hindustan. ठीक है, Securities Hindustan Private Limited. ठीक है, तो इसको star mark करके रखना. ये ग्रुप 4 कट कर देना, ग्रुप 4 कोई नाम नहीं है इसके अंदर, सिक्योरिटीज हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, तो ये केस आपने कंपलसरी लिखना है अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो. इसीलिए हमने ये सवाल इंक्लूड किया है कि भाई अगर 5 साल पहले से शेयर ट्रांसफर नहीं हो रहे तो आज ऑपरेशन क्लेम नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना. मैं चाहूंगा इसका आंसर ना एक बार और रीड कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. गो फॉर इट फास्ट.
चलो डन एवरीबडी, पढ़ लिया सबने। अगला नेक्स्ट सवाल है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द कंपनी अलीज्ड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड मेंबर का, ठीक है, अलीज्ड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ही मेड अ कंप्लेंट टू अ ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट पिटिशनर हैज नो लोकस स्टैंडी। पिटिशनर हैज नो लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी वर्ड का मतलब होता है कि उसका स्टैंड रॉन्ग है, रॉन्ग स्टैंड, मतलब वो पिटिशन नहीं कर सकता, हिज स्टैंड इज रॉन्ग सिंस ही इज नॉट अ मेंबर। वो मेंबर नहीं इसलिए उसका स्टैंड रॉन्ग है। द रजिस्टर स्टिल शोज द नेम ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, विल द रिप्रेजेंटेटिव बी एंटाइटल्ड फॉर द ट्रिब्यूनल। यस, ये हमने ऑलरेडी देखा था ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के, कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है वो टेबल में, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद में हमने देखा था सिर्फ तीन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, कॉल इन अरियर्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता, उसके बाद में ट्रांसफरी अंटिल ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड वाला अप्लाई नहीं कर सकता, ये लोग अप्लाई कर नहीं सकते हैं। नॉर्मली नॉमिनी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह कोई है तो वो अप्लाई जरूर कर सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये चीज को आपने याद रखना। उसके बाद में तो इसका भी आंसर एक बार देख लीजिए। सो सिंपली मैंने बोल के रखा, हालांकि इसके ऊपर केस लॉ भी दिया है मैंने, इट इज ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, आपको याद करना है तो करके रखिए, नहीं करना है तो इट्स ओके, ठीक है। सो therefore tribunal may entertain a complaint in the given case, legal representative of deceased member entitled to file a petition, koi dikkat nahi, clear hai concept, ye cheez ko yaad rakhna। agla sawal bada lamba choda hai operation mismanagement ki, ye bhi ek drawback hai ki iske sawal itne lambe chode aate hain padte padte thak jaoge, theek hai। so november 06 mistress ahimsa private limited was incorporated in year 2016, matlab ye ek sawal hai ya nibandh hai wahi samajh mein nahi aa raha। aage aise 1600 कंपनीज एक्ट 2013 बाय थ्री ब्रदर्स, कितने ब्रदर्स ने बनाया था, तीन लोगों ने, नेमली अमिल अनित अखिलेश, ऑल थ्री आर प्रमोटर डायरेक्टर नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीनों के तीनों प्रमोटर डायरेक्टर्स थे एओए में, एंड सब्सक्राइब फॉर 100 शेयर्स ईच इन द कंपनी। 100 शेयर हर एक के पास है, मतलब 1/3 ऑफ द कंपनी थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देयरफॉर टाइम टू टाइम फर्दर शेयर्स वेर अलॉटेड in proportion to the 1/3 to each of them, and in due course the company started earning substantial profit। company ne substantial profit karna shuru kiya। due to greed of the money the two brothers namely amit and anil joined hands, amit anil ne hath join kar liye, together assumed to complete a control of the company, leaving their brother akhilesh in the lurch। Both brothers got further shares allotted to themselves. Both brothers got further shares allotted to themselves. Thereby, joint shareholding from 66% to 90%, while shareholding of affiliation 33.33% to 10%. No notice of the board meeting was sent to Akhilesh, who was sidelined and was also removed as a director. Removed as a director bhi ho gaya. Aggrieved by the decision taken by his two brothers at his back, Akhilesh seeks your advice for taking out appropriate proceedings before the court, judicial authority and competent jurisdiction. प्लीज टेल। तो मैं पहले तो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लूं। अच्छा सवाल है, पहला तो लंबा सवाल है, आधे बच्चे तो सवाल पढ़ते पढ़ते आधे ऊपर के फैक्ट नीचे आते तक भूल जाएंगे। तो पहले तो ये सवाल पढ़ने लायक है। दूसरा, दो तीन केस लॉज बहुत तगड़े लेवल पे है इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक और जेप्रा प्राइवेट लिमिटेड का मैंने सेम क्वेश्चन दिया है, एबीसी वाला, उसमें भी सेम चीज हो रही है। तो ये एक सवाल आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब वो अखिलेश की जगह पे एबीसी वाले कोई भी लोग ले सकते हो, अनिल वगैरह के जगह पे, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर देखो कितने केसेस मैंने मेंशन करके रखे हैं। पहला, पुष्पा प्रभुदास वोरा वर्सेस वोरा एक्सक्लूसिव टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑप्शनल है। उसके बाद में एक केस लॉ मैंने और मेंशन किया है, नमिता गुप्ता वर्सेस चार्चर नेटिव जॉइंट स्टॉक लिमिटेड, ये भी ऑप्शनल केस लॉ है। एंड नरेश तेरेन वर्सेस हाइमेटिक एग्रो इक्विपमेंट्स, ये भी ऑप्शनल केस लॉ है। फिर पर्सी मिल्स का केस लॉ देके रखा है, ये तो मैंने पहले ही बोला था ऑप्शनल है। नीडल इंडस्ट्रीज इट इज कंपलसरी, पर जो मेन केस लॉज है वो मैंने इसके अंदर नहीं दिए, इसके अंदर एक्स्ट्रा केस लॉज देके रखे। अगर आपको याद करना है तो मेन केस लॉज में पहले बोलू, चेंज मेड इन द शेयर होल्डिंग विदाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट इज अ क्लियर केस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, इज अ क्लियर केस ऑफ ऑपरेशन। ये बोला है जलंधर चक्रवर्ती,
चक्रवर्ती वर्सेस पावर टूल्स एंड अप्लायंसेस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपलसरी केस लॉ है, ये हमने रेगुलर क्लास के अंदर याद किया था। फिर उसके बाद में न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग इंक्रीज इन द वोटिंग स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज इन होल्डिंग ऑफ वन ग्रुप वेयर देयर इज नो नीड ऑफ एनी फंड्स। ठीक है, तो इसके लिए भी जलंधर चक्रवर्ती आएगा। साथ में आप ले सकते हो वी सबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल या फिर निडल इंडस्ट्रीज वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज बेस्ट रहेगा, वर्सेस निडल इंडस्ट्रीज न्यू वे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये केस कंपलसरी है, ये आप यहां पे लिख सकते हो। तीसरे केस का मैं ऑप्शन दे दूं आपको और, द डायरेक्टर ऑफ अ ग्रुप इज रिमूव्ड बाय द अदर ग्रुप इवन दो सच रिमूवल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। हाँ, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये केस अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि लीगल एक्ट इज नेवर एन ऑपरेशन। ये हमने एक देखा था सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस सयाजी जुबली कॉटन जूट मिल्स के अंदर, पर ये ज्यादा एप्रोप्रिएट केस लॉ है बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली अबाउट 169 एंड सेठ मोहनलाल काफी जनरल केस लॉ है, ये चीज को याद रखना। तो मैंने केस लॉज मेंशन किए हैं, ठीक है, उसके नीचे फिर आंसर दिया है। सो यहां देखना, अमित एंड अनिल टू डेट्रीमेंट ऑफ हिम एंड ऑल्सो डिसीजन टू इश्यू फर्दर शेयर वॉज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ द कंपनी बट फॉर सम एक्सट्रोडेस पर्पज एक्विजिशन कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी द सिंगल एक्ट इश्यू फर्दर शेयर शॉल हैव टू कंटिन्यूअस इफेक्ट। इसका कंटिन्यूअस इफेक्ट भी है अगर उन्होंने खुद को शेयर इशू किया है तो, एंड सो इट अमाउंट्स टू ऑपरेशन। सो देखो, इसको हम ऑपरेशन बोलेंगे, स्पेशली इफ बोर्ड मीटिंग एट विच द फर्दर शेयर्स वेर अलॉटेड वॉज हेल्ड विदाउट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 173 एंड मेंबर हु आर नॉट ऑफर्ड फर्दर शेयर्स वॉज ऑल्सो रिमूव्ड। ठीक है, एक और केस दिया है, ऑन द सिमिलर फैक्ट इट वॉज हेल्ड ऑपरेशन। देखो, नोटिस ऑफ मीटिंग ना देना भी ऑपरेशन है, वो तो केस रह गया, वो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, आ जाइए, वो भी कंपलसरी केस लॉ है। अलायंस सिक्योरिटीज वर्सेस लीगल रीगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अलायंस सिक्योरिटीज वर्सेस लीगल इंडस्ट्रीज ओमिशन टू गिव अ नोटिस इज ऑपरेशन। ओमिशन टू गिव अ नोटिस इज ऑपरेशन, स्टार मार्क करके ये कंडीशन लिख के रखना, दिस इज वेरी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, समझ में आया पक्का? हाँ ना, ये केस लॉ ओमिशन टू गिव द नोटिस के लिए चाहिए और हमने डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया था तो यह केस लॉ लगेगा। देयरफॉर अखिलेश शुड फाइल एन एप्लीकेशन विद द ट्रिब्यूनल फॉर क्लेमिंग फॉर एप्लीकेशन। अखिलेश में सीक द फॉलोइंग रिलीफ्स फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। ठीक है, अखिलेश क्या क्या मांग सकता है? अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स टू अमित एंड अनिल शुड बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। रिमूवल ऑफ अखिलेश फ्रॉम द डायरेक्टर शुड बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड। ट्रिब्यूनल शुड मेक एन ऑर्डर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन सच अ मैनर। ठीक है, वो जैसा चाहे, सम इंडिपेंडेंट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, अखिलेश शुड बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैविंग सच अ सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल। मतलब उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो तो हो सकता है उसके पास इतने पावर्स आ जाएंगे कि वो ऑपरेशन को कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, मैं चाहूंगा एक बार वापस से रीड करके देखिए इसको, गो फॉर इट फास्ट।
चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ध्यान देना। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच देयर आर 8 शेयर होल्डर्स, कैन मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर द रिलीफ अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। बोले मेंबर है, बोले जिनका, देखो वर्ड क्या है, मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी अप्लाई टू अ ट्रिब्यूनल फॉर अगेंस्ट द ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। आंसर है यस, यस इफ दे आर ईदर अबव 100 और मिनिमम 1/10 ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें से कुछ भी है तो भी वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है। ठीक है, तो लिख के रखिए, देर आर 8 शेयर होल्डर्स इन मेसर्स सुप्रा प्राइवेट लिमिटेड। श्याम हु इज होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर होल्डिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी सीक्स योर एडवाइस वेदर ही कैन अप्लाई टू अ ट्रिब्यूनल। अब यहां श्याम के लिए पूछा है, श्याम होल्डिंग लेस देन 1/10 कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। अब श्याम तो यहां एक ही केस में अप्लाई कर सकता है बच्चों, इफ कंपनी हैव ओनली 10 मेंबर्स। अगर सिर्फ 10 मेंबर है तो 10 का 1/10 आएगा एक मेंबर, तो एक मेंबर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सिर्फ ये अजम्पशन लिया तो ही एप्लीकेशन होगा। तो आंसर देख लीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, एमएनसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच देयर आर 6 शेयर होल्डर्स। मिस्टर श्रीनाथ हु इज अ डायरेक्टर एंड ऑल्सो अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड शेयर होल्डर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मेड ए पिटिशन टू अ ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, हु इज अ डायरेक्टर ऑल्सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, क्या वो अप्लाई कर सकता है? इफ कंपनी, ये तो नहीं बोला है ना कितने मेंबर्स है टोटल, इफ कंपनी हैव ओनली 10 मेंबर्स देन यस। अच्छा 6 ही शेयर होल्डर्स है ना, तो यस ही कैन अप्लाई 10 मेंबर्स देन यस। तो यहां तो ऑफकोर्स यस ही कैन अप्लाई, क्योंकि 6 शेयर होल्डर्स है, रखिए ही कैन अप्लाई। तो सिंपली आपने इस मूवी में क्या करना है, 244 का मैनर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है, नीचे कोई केस स्टडी वगैरह होगा तो वो देना है, और नीचे कैलकुलेट करके देना है श्रीनाथ इकलौता मेंबर भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए केस लॉ दिया है वो पढ़ लू। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर एंटाइटल टू फाइल अ पिटिशन अंडर 241 इवन दो नेम ऑफ द डिसीज मेंबर इज स्टिल रिकॉर्डेड ऑन द रजिस्टर केस वर्ल्ड वाइड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस मार्गरेट टी डेसोर एंड अदर्स। क्लियर है, ये केस को आपने याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, एमटीपी अप्रैल 18 आरटीपी मई 18 में पूछा है, द इशूड एंड पेडअप कैपिटल ऑफ द एमएनसी लिमिटेड इज ₹5 करोड़। 5 करोड़ का इशूड पेडअप कैपिटल है, ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच। ओके भाऊ, द सेड कंपनी हैज 500 मेंबर्स, उस कंपनी में 500 मेंबर्स है। अ पिटिशन वॉज सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल साइंड बाय 100 मेंबर्स। पिटिशन वॉज सबमिटेड बिफोर ट्रिब्यूनल साइंड बाय 100 मेंबर्स होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स, साइंड बाय 100 मेंबर्स जिन्होंने कितने इक्विटी शेयर होल्ड किए हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, सबमिटेड बाय 80 मेंबर्स होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। 5 लाख शेयर से 80 मेंबर ने अप्लाई किया है और 500 मेंबर्स है, मतलब अगर आप 80 मेंबर्स का कैलकुलेशन यहां पे करो तो भैया अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, 100 मेंबर कर सकते हैं मिनिमम, 500 मेंबर्स अगर कंपनी में है तो 50 मेंबर 1/10 ऑफ मेंबर अप्लाई कर सकते हैं, और इशूड कैपिटल का कितना परसेंट, तो 10%, मतलब 50,000 के शेयर जो होल्ड कर रहे हैं, 50,000 शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई, 50,000 के शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई, और इन्होंने 10,000 होल्ड किया पर ये 80 मेंबर्स है जो 50 के ऊपर है, तो वेदर दे कैन अप्लाई, यस दे कैन अप्लाई, 50 मेंबर्स के ऊपर है ना, यस दे कैन अप्लाई। ठीक है, ऑफ द कंपनी रिलीफ अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, डिसाइड वेदर सेड पिटिशन इज मेंटेनेबल, यस द पिटिशन इज मेंटेनेबल, ऑल्सो एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ द अबव पिटिशन ऑन द कंपनी। सब्सिक्वेंटली 40 मेंबर्स हु हैड साइंड द पिटिशन
विड्रॉ देयर कंसेंट, मतलब ये वो केस आ गया राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वरा राव वाला केस आ गया, कंपलसरी केस है लिखने के लिए कि पिटिशन करने के बाद अगर मेंबर्स विड्रॉ कर लेते हैं पिटिशन तो पिटिशन वैलिड है इनवैलिड है, तो पिटिशन इज स्टिल वैलिड। ये चीज को आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। सो ये चीज को याद रखना। अगले सवाल के ऊपर जाते हैं, मेन 19 के सवाल के ऊपर, ठीक है। बाकी तो आपको पता है 244 का मैनर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है, और फिर लिखना है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फिर लिखना है नागेश्वर राव राजमुंद्री देवी वाला, और उसके बाद में लिखना है कि एप्लीकेशन वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अगला दसवां सवाल, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर डिसाइड टू फाइल अ पिटिशन, कितने मेंबर बोले हैं 30 मेंबर, डिसाइड टू फाइल अ पिटिशन बिफोर ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेसर्स अरविल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ एंड कंपनी हैज टोटल 500 मेंबर्स। 500 मेंबर्स है मतलब हमको कितने चाहिए, एक तो 100 मेंबर, दूसरा 50 मेंबर्स, 1/10 बोला तो 50 आएगा ना, और तीसरा 1 करोड़ का कैपिटल है। तो इन्होंने यह भी बोला है ग्रुप ऑफ 30 मेंबर होल्ड 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल अकाउंटिंग फॉर 1/5 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। वाह, मतलब ये पूरा इंस्टीट्यूट ने डिसाइड कर लिया है तुम्हारी बत्ती बुझा देनी है यहां पे। 30 मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बट 1/5 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अब जिसने यहां इशूड और पेड अप ठीक से नहीं पढ़ा उसकी लग गई, तो यहां पे इशूड शेयर कैपिटल हमको चाहिए। सो यहां मैं लिख सकता हूं 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल होल्डर, पर यहां तो आप कितना होल्ड कर रहे हो, 1/5 होल्डिंग है यहां तो, इन दिस केस 1/5 होल्ड है। क्या एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, नॉट मेंटेनेबल, ना 100 मेंबर्स है ना 50 मेंबर्स है ना 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल होल्डर है। द ग्रेवियंस ऑफ द ग्रुप इज दैट कंपनी इज मिसमैनेज्ड, कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस एंड नॉट डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर पास्ट 5 ईयर्स। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये कोई ऑपरेशन नहीं होता, क्लियर है। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट ऑपरेशन, इसके लिए मैं केस यहां पे लिख सकता हूं। केस का नाम कौन सा है, दैट इज वो होल्ड, वन सेकेंड, मेरे को याद नहीं आ रहा, अपना सिंधिया आयरन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड के बाद में हमने केस देखा था ना, एक सेकेंड आई विल जस्ट सी इसमें दिया है क्या, पर मेरे को याद आना चाहिए, ऐसे कैसे भूल गया मैंने। अपन याद करेंगे, अपन याद करेंगे मतलब करेंगे, चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल। हाँ, चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल, ये केस यहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख के रखता हूं चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल, चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल। इस केस में बोला गया है प्राइवेट लिमिटेड कि नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट ऑपरेशन, ठीक है। फिर देखो मैंने नीचे लिख के रखा कि कितने मेंबर्स अप्लाई करेंगे, 244 का मैनर ऑफ एप्लीकेशन लिखा है मैंने। फिर एक्सप्लेनेशन आंसर के अंदर मैं गया, यहां पे मैंने मेंशन किया कि भैया मेरे को मिनिमम 50 मेंबर्स चाहिए और यहां सिर्फ 30 है, और ये 30 मेंबर्स ने 1/5 ऑफ इशूड कैपिटल होल्ड करके रखा है, हमें 1/10 चाहिए। इसके हिसाब से हैविंग अ रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स एंड शेयर होल्डिंग फॉर बींग एलिजिबल टू अप्रोच द बिलीव, ऑल्सो शेयर होल्डर्स मे नॉट सक्सीड इन गेटिंग एनी रिलीफ फ्रॉम द ट्रिब्यूनल एज लॉसेस कैनॉट इट सेल्फ बी कंसिडर्ड एज ऑपरेशन। एक और एक्स्ट्रा केस लॉ मैंने यहां लिख के रखा है, अशोक बेटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज एम के चंद्रकांत, जिसके अंदर यह बोला है कि सिर्फ लॉसेस करना इज नॉट ऑपरेशन। फिर फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड, पेमेंट ऑफ लोअर डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन, थॉमस वेडॉन वर्सेस कुट्टू आनंद रबर कंपनी लिमिटेड। हालांकि अपन उसके जगह पर चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नाला गिरधारलाल लिख सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बैच में हमने केस लॉ पढ़ा हुआ है, क्लियर है आंसर। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 11, द इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड इज 10 लाख। 10 लाख इशूड भी है, सब्सक्राइब भी है, पेड अप भी है, मतलब खत्म। कंसिस्टिंग ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेड अप एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, दोनों फुल्ली पेड अप है। आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी 400 मेंबर्स होल्डिंग 1 प्रेफरेंस शेयर्स ईच एंड 50 मेंबर्स होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स अप्लाइड फॉर द रिलीफ।
अब ये तो ऑलरेडी हो गया ना, 400 मेंबर्स बोल दिया, हमको तो 100 की जरूरत है और 50 भी, मतलब 450, तो क्या एप्लीकेशन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, हमको तो 100 ही चाहिए ना यहाँ पे। लेकिन अगर आप टेस्ट करना ही चाहो तो भैया उन्होंने बोला है कि भाई 400 मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 100 मेंबर के ऊपर है। आगे देखते हैं, ऑन द डेट ऑफ पिटिशन कंपनी हैड 600 इक्विटी शेयर होल्डर्स, 600 का मतलब 60 इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए एंड 5000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब 500 चाहिए, अगर हम देखा जाए तो हमें 560 चाहिए। सो इधर वी शुड हैव 1/10 ऑफ नंबर और वी शुड हैव 100 मेंबर और वी शुड हैव 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल होल्डर। तो यहां पे 500 इक्विटी शेयर होल्ड किए उन्होंने, होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर, 1 प्रेफरेंस शेयर और 400 प्रेफरेंस शेयर होल्ड किए हैं। 500 इक्विटी शेयर एंड 400 प्रेफरेंस शेयर से तो घंटा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 560 मेंबर्स और 1/10 ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो हमें 560 चाहिए, 100 मेंबर, 1/10, और हमें अगर पेड अप कैपिटल मतलब देखा जाए तो 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल चाहिए, जो यहां पे मीटअप नहीं हो रहा, पर 100 मेंबर मीटअप हो रहा है इसलिए पिटिशन वैलिड है। तो नीचे हम देखेंगे, देखो 244 लिख के रखा है मैंने कि कैसा कैसा, दैट इज 100 मेंबर, 1/10 ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्डर्स, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी अलाउड है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें 5600 मेंबर्स चाहिए, करना 5600 हुआ है एंड टोटल शेयर कैपिटल इज 10 लाख। द एप्लीकेशन रिसीव्ड एज फॉलोज, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो लोगों ने दिया है दैट इज 450, ठीक है, एज पर द कंडीशन स्पेसिफाइड इन 241, 100 मेंबर्स वगैरह के हिसाब से वापस क्राइटेरिया मेंशन किया, मेड इज मेड बाय 450 मेंबर, द एप्लीकेशन मेड अबव शॉल बी वैलिड इवन इफ सम ऑफ द एप्लीकेंट्स विड्रॉ देयर कंसेंट आफ्टरवर्ड। तो राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेज नागेश्वर राव हम मेंशन करेंगे, ठीक है, आंसर के अंदर हम कंक्लूड कर देंगे कि हाँ भाई एप्लीकेशन वैलिड है, ठीक है। यहां एक करेक्शन कर दो, 5600 के जगह पे 560, नहीं, ये 5600 ही चाहिए, माय मिस्टेक, ये टोटल नंबर बता रहे हैं वो, तो भैया 5600 ही बराबर है, उसमें से 1/10 560 होता है, पर हमारा 450 हो रहा है जो 100 के ऊपर है, ठीक है। चलो मैं अगले सवाल के ऊपर जाता हूँ। सो अबव एप्लीकेशन शॉल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, इवन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन, इट हैज बीन अज्यूम दैट द मेंबर्स मेकिंग एन एप्लीकेशन हैव पेड द कॉल्स ड्यू ऑन द शेयर्स, ये सजेशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, द इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सुप्रीम केमिकल्स लिमिटेड इज 2 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, द सेड कंपनी हैज 800 मेंबर्स, फॉर द पर्पज ऑफ रिलीफ अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट द पिटिशन वॉज सबमिटेड बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ड्यूली साइंड बाय 90 मेंबर्स, 90 मेंबर्स ने पिटिशन डाला है होल्डिंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेड कंपनी, 90 मेंबर 1 लाख, सो 2 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर्स था 10 ईच के। अब 20 लाख इक्विटी शेयर्स का अगर मैं 1/10 लू तो मुझे 2 लाख इक्विटी शेयर्स चाहिए, 2 लाख इक्विटी शेयर्स होल्डर चाहिए, और एप्लीकेशन यहां पे 1 लाख वालों ने किया है, ऊपर से 90 मेंबर है, मतलब ना ही 100 मेंबर की कंडीशन कंप्लाई हो रही है ना ही 1/10 ऑफ इश्यूड कैपिटल की कंडीशन कंप्लाई हो रही है, क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो 800 मेंबर टोटल बोले, 800 मेंबर्स का 1/10 लू तो 80 होता है, तो यहां पे 90 मेंबर्स इज ओवरराइडिंग 80 मेंबर्स, तो एप्लीकेशन वैलिड होगा। 30 मेंबर्स हु साइंड द पिटिशन विड्रॉ देयर कंसेंट, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव, सो क्या एप्लीकेशन वैलिड है, वैलिड, एंड केस लॉ जो नीचे दिया ही होगा, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव, ठीक है। अब इन दोनों तीनों क्वेश्चन में एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, वो ये है कि इस क्वेश्चन, इसके पहले का जो क्वेश्चन था हमारा, उसका फॉर्मेटिंग देखिए लिखने का, वो बहुत प्यारा फॉर्मेटिंग दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 का फॉर्मेटिंग आप वापस देखिए, नॉर्मली आपने आंसर ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब जितने भी ऐसे सवाल दिखते हैं आंसर ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए, इसका एक बार फॉर्मेटिंग पढ़ के देखिए, गो फॉर इट फास्ट। सो मैं यहां लिख के रखूंगा, चाहिए तो चूज दिस फॉर्मेट, choose format of this question for answers, go for it fast।
चलो डन एवरीबडी, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रॉफिट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 फेल कंसिडरेबली ड्यू टू रिसेशन. रिसेशन की वजह से प्रॉफिट गिर गए बोले, इतने गिरे कि क्या बोले, बोले गिरे हुए थे. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी देयरफॉर बोनाफाइड डिड नॉट रिकमेंडेड एनी डिविडेंड फॉर द ईयर. एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी द ग्रुप ऑफ मेंबर ऑब्जेक्टेड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन एंड वॉन्टेड अ बोर्ड टू मेक अ रिकमेंडेशन फॉर द डिविडेंड. ऑन रिफ्यूजल बाय बोर्ड द मेंबर्स हु फील ऑप्रेस्ड बाय द बोर्ड डिसीजन स्किप द डिविडेंड मूव ऑन टू अ कंपनी लॉ बोर्ड. मतलब फिलहाल एनसीएलटी, फिलहाल सीएल भी नहीं है तो आप लिख सकते हो एनसीएलटी, ठीक है. एंड कंप्लेन अगेंस्ट द बोर्ड ऑन अ ग्राउंड ऑफ द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. एग्जामिन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. सेम चंद्र कृष्णन गुप्ता. चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल प्राइवेट लिमिटेड. वेरी गुड. तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. ये केस कोट करके रखना, वही आंसर है. वेदर मेंबर्स कंटेंशन शॉल बी टेनेबल, नो. वेदर द एक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट टू रिकमेंड अ डिविडेंड अमाउंट्स टू ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, नो. नीचे पिटिशन का लिखना, फिर चंद्र कृष्ण देखो सेम इस केस लॉ दिया है, नहीं सेम नहीं दिया है, अशोक दिया है. और ये चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधरीलाल, फिर थॉमस वेटटॉम वर्सेस, ये ऑप्शनल है, ठीक है. चंद्र कृष्णन गुप्ता इज अ कंपलसरी, दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल, इट्स अप टू यू. आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है. उसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14. वॉट इज मेंट बाय ऑपरेशन, स्टेट वेदर द एग्रीड पार्टी वुड सक्सीड इन ऑप्टेनिंग रिलीफ फ्रॉम ट्रिब्यूनल ऑन अ ग्राउंड ऑफ ऑपरेशन इन द फॉलोइंग केसेस. मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरराइड माइनॉरिटी डायरेक्टर्स एंड माइनॉरिटी डायरेक्टर्स अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर ऑपरेशन ऑन देम. अब डायरेक्टर ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नो. क्यों मैं नो आंसर दे रहा हूं? बिकॉज ऑफ राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णन. राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णन, इस केस में हमने देखा था कि ऑपरेशन इज ओनली ऑन मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स के ऊपर ऑपरेशन हो सकता है, ये इनके ऊपर नहीं हो सकता. हाँ, ये मिसमैनेजमेंट में रिलीफ करना चाहे क्लियर तो चलेगा, मिसमैनेजमेंट में रिलीफ मिल सकता है. सो पार्ट ए में कैन क्लेम रिलीफ इन मिसमैनेजमेंट. ठीक है. दूसरा, अ पिटिशन बाय मेजोरिटी शेयर होल्डर कंप्लेनिंग ऑपरेशन ऑन द माइनॉरिटी शेयर. मेजोरिटी शेयर होल्डर कंप्लेनिंग ऑपरेशन बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर. मेजोरिटी शेयर होल्डर क्लेम करना चाहते हैं रिलीफ, माइनॉरिटी ने ऑपरेशन किया, कर सकते हैं. वी सबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल. ये केस आप यहां पे कोट करोगे. जो भी केसेस में लिख रहा हूं वो कंपलसरी वाले हैं, ठीक है. आपके बुक में मैंने जानबूझ के ऑप्शनल भी दिए अगर आपको याद करने हैं तो. गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, ठीक है. सो यहां पर मैंने ऑपरेशन का पहले तो मीनिंग लिखा, टर्म ऑफ ऑपरेशन मीनिंग, ठीक है. फिर उसके बाद में दूसरा, ऑपरेशन के अंदर क्या आता है क्या नहीं. और देखिए मैंने बोला है कि ऑपरेशन राव वर्सेस राजेश्वरी रामकृष्णन में सिर्फ मेंबर्स पे हो सकता है, कैपेसिटी एज अ मेंबर, ठीक है. तो वो केस लिख लिया. देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशन, ये हमने देखा ऑलरेडी. फिर उसके बाद में ऑपरेशन ऑन द मेंबर एज अ डायरेक्टर, हाँ मेंबर पे एज अ हार्श ट्रीटमेंट फॉर द सेंटेंस मेंबर हु इज अ डायरेक्टर और अदर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट कम अंडर सेक्शन 241. मेंबर अगर डायरेक्टर भी रहा तो भी वो 241 में नहीं आता. फिर उसके बाद में राइट नॉट कन्फाइंड टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को राइट नहीं है, राइट मेजोरिटी को भी है. वहां पे आपने केस मेंशन करना है वी सबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल्स. क्लियर है कांसेप्ट? अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग 20% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ डीएफ लिमिटेड हैव फाइल्ड पिटिशन बिफोर अ ट्रिब्यूनल अलीजिंग द फॉलोइंग वेरियस एक्ट्स इलीगल इनवैलिड इरेगुलर ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू इन द नेम ऑफ कंपनी. यहां आएगा सेठ मोहनलाल गणपतराम. इलीगल एक्ट नॉट नेसेसरी बी ऑपरेशन. इलीगल एक्ट या ऑपरेशन होना जरूरी नहीं है. मैंने ड्रग सेल का एग्जांपल दिया था रेगुलर बैच में. ड्रग सेल से किसी मेंबर के राइट को डैमेज नहीं होता, सो इट्स नॉट ऑपरेशन. सो इलीगल एक्ट इज नॉट ऑपरेशन. सेठ मोहनलाल
हाँ ड्रग्स के लिए अदर एक्ट में प्रोसीडिंग्स होंगे, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, पर ऑपरेशन में प्रोसीडिंग नहीं होंगे। सेठ मोहनलाल गणपतराम, वैसे सयाजी जुबली, जुबली ली एंड कॉटन, सयाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसके अंदर बोला है कि इलीगल एक्ट इज नॉट नेसेसरी एन ऑपरेशन, ठीक है। लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ अगर मिसमैनेजमेंट की वजह से लॉस है तो मिसमैनेजमेंट का केस होगा, पर नॉर्मल मैनेजमेंट में लॉसेस हुए तो लॉस इज नॉट अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, ये हमने ऑलरेडी देखा, या लॉस इज नॉट अ केस ऑफ ऑपरेशन, ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्लियर है। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, चंद्र कृष्णन गुप्ता सीकेजी वर्सेस पन्नालाल गिरधारीलाल प्राइवेट लिमिटेड, सीकेजी वर्सेस पीजी, तो लॉन्ग फॉर्म याद रखना, चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारीलाल, आपने पूरा लॉन्ग फॉर्म ही लिखना है, ये केस अब हमने कई बार देख लिया, क्लियर है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना करना ऑपरेशन होता तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज्यादा ऑपरेसिव कंपनी मानी जाती थी, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना, तो ये चीज को आपने याद रखना। सेम मैंने 241 के अंदर मेंशन किया कितने मेंबर अप्लाई करेंगे 244 के हिसाब से, उसके बाद में मैंने मेंशन किया, अच्छा केसेस दिए नहीं क्या मैंने यहाँ पे हैं, चीचा नहीं दिए दिए दिए, ऐसे कैसे नहीं मैं हुई तो बोलूँ। देखो केसेस में सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस सयाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, फिर एसएम रामकृष्ण राव वर्सेस बैंगलोर रेस क्लब वायलेशन ऑफ कंडीशन कैन नॉट बी रिगार्डेड, री मलयालम प्लांटेशन इंडिया लिमिटेड, अशोक बेलनेट वगैरह की लॉसेस की वजह से ऑपरेशन नहीं होता, डिविडेंड के लिए चंद्र कृष्णन गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधरलाल, इसमें से कंपलसरी केस लॉ कौन कौन से है तो सी दिस, दिस कंपलसरी। रामकृष्ण राव यहां इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शनल है, मलयालम प्लांटेशन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शनल है, दीज आर बोथ ऑप्शनल फॉर दिस क्वेश्चन। लॉसेस का चंद्रकांत ये कंपलसरीली आप लिख सकते हो, रेगुलर बैच में हालांकि हुआ नहीं है बट आप याद कर सकते हो, और ये तो कंपलसरी है ही। अगले सवाल पे जाते हैं 16। मेसर कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स लिमिटेड इज अ कंपनी कंट्रोल्ड बाय टू फैमिली ग्रुप्स, द फर्स्ट फैमिली ग्रुप हैज द फोर डायरेक्टर्स नेमली ए बी सी डी, ये पहला फैमिली ग्रुप है जिसके चार डायरेक्टर थे, ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द सेकंड ग्रुप हैड टू रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर एक्स एंड वाई, बोथ ग्रुप्स होल्ड शेयर्स इन द कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्टरशिप्स, द फर्स्ट ग्रुप होल्ड फोर डायरेक्टर्स 67% एंड सेकंड ग्रुप टू डायरेक्टर्स होल्ड 33% ऑफ द शेयर कैपिटल, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैमिली ट्रबल द फर्स्ट ग्रुप बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रिमूव्स बोथ एक्स एंड वाई, फर्स्ट ग्रुप रिमूव्स X and Y as a director of the company. Aggrieved by this act, the second group is planning to move the application. So, removal of director is not operation. By majority under section 169 is not operation. ठीक है, मैं चाहूंगा इसका एक बार आंसर पढ़ के देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि परसेंटेजेस वगैरह इन्होंने प्रॉपरली दिए हैं और सिर्फ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का ही मेन क्वेश्चन है जो आपने रिवीजन करते वक्त कवरअप करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। एक बार आंसर पढ़ के देखिए फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, गो फॉर इट फर्स्ट।
चलो पढ़ लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. मेसर सिटी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड हैज टू ग्रुप्स ऑफ डायरेक्टर्स. अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द टू ग्रुप आउट ऑफ विच वन ग्रुप कंट्रोल्ड द मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स. अ वेरी सीरियस सिचुएशन अरोज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर्स व्हेन द माइनॉरिटी ग्रुप आउटस्टेड द लॉफुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम द पोजिशन एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट. है माइनॉरिटी ग्रुप आउटस्टेड लॉफुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम पोजिशन एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनीज फैक्ट्री एंड वर्कशॉप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेशनरी रिकॉर्ड्स वेयर हेल्ड बाय द माइनॉरिटी ग्रुप एंड कॉन्सिक्वेंटली द एनुअल अकाउंट्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर टू ईयर्स. द मेजोरिटी ग्रुप अप्लाइड टू द कंपनी लॉ बोर्ड फॉर रिलीफ अंडर 241. माइनॉरिटी दंगे कर रही है यहाँ, मेजोरिटी नहीं कर रही. माइनॉरिटी ने बोर्ड को संभाल बोले किसी चीज को हाथ नहीं लगा दिया, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ना ही फैक्ट्री में जाने दिया, उनको काम ही नहीं करने दिया माइनॉरिटी ने. You are required to decide with reference to provision of Companies Act. Can majority shareholder apply to a company law board? यहाँ जहां जहां कंपनी लॉ बोर्ड है वहां एनसीएलटी मानना, बिकॉज ये ओल्ड एक्ट का क्वेश्चन हो सकता है, ये ओल्ड वाला होगा आएगा. हाँ देखो नवंबर 02 मतलब ओल्ड एक्ट वाला है, ठीक है. सो द फॉलोइंग शेयरहोल्डर्स कंपनी लॉ बोर्ड रिलीफ अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं. केस का नाम है वी सबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल्स, ठीक है, लिख के रखिए. वेदर कंपनी लॉ बोर्ड कैन ग्रांट रिलीफ इन सच सर्कमस्टेंसेस, यस. तो देखिए एप्लीकेशन का तरीका लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद केस लॉ ठोक दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में एक और केस ठोक दिया सुरेश कुमार संघे वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड, ठीक है, डिस्प्यूट अमॉन्ग डायरेक्टर्स वाला. फिर सिंधरी आयरन फाउंड्री भी ठोक दिया. अब इसमें से ये दोनों ऑप्शनल है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सिर्फ वी सबेस्टियन वर्सेस सिटी हॉस्पिटल्स लिखना जरूरी है. बाकी तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आंसर्स देते रहता हूं तगड़े, ठीक है. उसके बाद अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 15% ऑफ द इशूड कैपिटल ऑफ द मेसर्स डिफ्रॉड लिमिटेड हैव फाइल्ड अ पिटिशन बिफोर द कंपनी लॉ बोर्ड अलीजिंग वेरियस एक्ट्स of illegal, invalid, irregular nature are entered into in the name of the company. Repeat सवाल आ रहा है सेठ मोहनलाल गणपतराम का illegal acts के ऊपर का. Repeat सेठ मोहनलाल गणपतराम illegal act are not necessarily an operation. ठीक है चलो next question. There are 8 shareholders in Messrs Supra Private Limited. Shyam, who is holding less than 1/10 of share capital of company, seeks your advice whether he can apply to the company law board. Repeat. और बोला है 8 shareholders है तो Shyam एक, Shyam अकेला है तो he can apply. Yes. Can apply. 1/10 of number of members में आएगा ना, ठीक है, can apply. Repeat सवाल है, homework में कर लेना. अगले सवाल के ऊपर जाते हैं. लंबा सवाल है. अ ग्रुप ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज फाइल्ड पिटिशन बिफोर कंपनी लॉ बोर्ड अलीजिंग वेरियस एक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बाय द मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. द पिटिशनर ग्रुप होल्ड्स 12% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो एप्लीकेशन वैलिड है क्या? यस वैलिड, ठीक है, 12% होल्ड कर रहे तो चलेगा. ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटिशन सम ऑफ द शेयर होल्डर होल्डिंग ग्रुप अबाउट 5% इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी डिसोसिएटेड देमसेल्फ विद द पिटिशन. डिसोसिएटेड मतलब कंसेंट वापस ले लिया. And they along with the other majority shareholder have submitted before a company law board. The petition may be dismissed on a ground that non-maintainability. नहीं, यहां राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वरा राव वाला केस आएगा, ठीक है. तो देखिए आंसर में किधर गया, कितने गया, ये देखिए सेम 244 कोट करना, नीचे राजमुंद्री कोट करना, ये मतलब फॉर्मेट बन चुका है. चलो क्वेश्चन नंबर 21. अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंसिस्टिंग ऑफ 25 मेंबर्स डिसाइड टू फाइल अ पिटिशन बिफोर कंपनी लॉ बोर्ड. 25 मेंबर्स है कंपनी लॉ बोर्ड के सामने आना चाहते अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स लिमिटेड. द कंपनी हैज अ टोटल 300 मेंबर्स. 25 मेंबर ने अप्लाई किया है. ग्रुप ऑफ 25 मेंबर होल्ड्स 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल अकाउंटिंग टू 1/5 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल. रिपीट सवाल है, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है 1/5 वाला, तो पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होगा, ठीक है. सो रिपीट में डाल दो इसको. रिपीट मतलब सिमिलर सवाल, एग्जैक्टली नाम वगैरह सेम रहेगा, कोई गारंटी नहीं है इसका, ठीक है.
सो उसके बाद में 22 मेसर्स डीजे लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट March 31, 2018 हैविंग इशूड पेड अप शेयर कैपिटल कंप्राइजिंग ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ ईच 10 एंड प्रेफरेंस शेयर्स हु इज 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच रिस्पेक्टिवली द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ 169 रिमूव्ड मिस्टर सतीश फ्रॉम द डायरेक्टरशिप सतीश को डायरेक्टरशिप से हकाल दिया ऑन ऑगस्ट कंप्लेनिंग द टर्म ऑफ सफीश सॉरी बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिस टर्म मिस्टर सतीश ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग 1,10,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स बट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इज नॉट ऑपरेशन लिख के रखिए यहां पर ऐसा सवाल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ना है ना सो क्या पिटिशन 244 में आएगा तो देखो क्या पूछा गया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ 244 सही है ऑल्सो स्टेट एनी अदर रिकोर्स दैट इज अवेलेबल विथ मिस्टर सतीश अंडर द प्रोविजन कोई रिकोर्स नहीं है मेजोरिटी शेयर होल्डर ने हकालने के बाद क्या कंपेंसेशन मांग सकते हो रिकोर्स में ठीक है ये चीज को याद रखना आंसर थोड़ा बड़ा है मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर एक बार पढ़ के रखिए गो फॉर इट फास्ट बिग आंसर दिया है रीड गो फॉर इट फास्ट चलो डन अगले सवाल पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 मिस्टर बी दत्त इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड प्लाजा रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड FPRPL वाज इनकॉर्पोरेटेड मतलब FPRPL वाज इनकॉर्पोरेटेड इन फर्दरेंस ऑफ अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर बी दत्त एंड जैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड In 2017, both are having 50% equal shares in the company. FPRPL was to be governed by the terms and conditions set out in the Memorandum of Association and Article of Association. During the course, JIPL held the board meeting without giving a prior notice of such a meeting to Mr. B. Dutt. Not giving a notice, omission to give the notice. Alliance Securities versus Regal Industries Limited is a clear case of operation. Took a decision to move Mr. B. Dutt with an allegation of mismanagement of fraud, FPRPL. JPIL surprised him to sell his shares, pressurized him to sell his shares and at 5 crores against 15 crores, which is much below the fair market price of the
मिस्टर बी दत्त शेयर एडवाइस वेदर मिस्टर बी दत्त हैज राइट टू क्लेम एनी रिलीफ येस ही कैन क्लेम अ रिलीफ यहां मैंने ऑपरेशन का डेफिनेशन दिया है वो आप लिख सकते हो फिर एक केस दिया है ऑप्शनल लिखना है तो लिखो एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है उसके बाद में एक और केस दिया है नरेश द डायरेक्टर ऑफ वन ग्रुप इज रिमूव्ड बाय द अदर ग्रुप नॉट दो सच रिमूवल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 169 उसके बाद में बोला है सेम केस दिया है जिसके फैक्ट्स मिलते हैं विक्रम बख्शी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स लिमिटेड ठीक है फिर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फिर पूरा केस डिस्कस किया है उन्होंने ये विक्रम बख्शी का पूरा केस डिस्कस किया है एक्चुअली मतलब एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है नॉट रिक्वायर्ड इट जस्ट फॉर नॉलेज जिसका इस मतलब जो सिमिलर केस हुआ था वो नॉलेज के लिए मैंने देके रखा है जानबूझ के कि भाई आपको बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद में विक्रम बख्शी के केस के बाद आंसर में हम लिखेंगे द अफेयर्स ऑफ द फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड हैव बीन कंडक्टेड इन द मैनर ऑपरेसिव टू द बी दत्त सिंस मिस्टर बी दत्त वॉज रिमूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट गिविंग अ प्रायर नोटिस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर बी दत्त वॉज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्रूव द फॉल्स एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट हिम ठीक है तो विक्रम एक्चुअली अब ऑपरेशन डायरेक्टर के खिलाफ नहीं होता हमने ये देखा ऑपरेशन डायरेक्टर के खिलाफ नहीं होता राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन पर इंस्टीट्यूट ने इस केस में जो सवाल पूछा है उसके अंदर आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया था कि ये ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया और वैसे भी नोटिस ना देना इज ऑपरेशन अंडर अलायंस सिक्योरिटीज वर्सेज लीगल इंडस्ट्रीज सो ट्रिब्यूनल में पास ऑर्डर इफ इट थिंग्स फिट रीस्टेटमेंट ऑफ मिस्टर दत्त एज मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विथ राइट टू वोट इन द बोर्ड मीटिंग एज रेगुलेटर फॉर द फ्यूचर फॉर द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ठीक है मैं चाहूंगा इसका आंसर एक बार पढ़ के रखे क्योंकि इसमें एक नया केस पूरा विथ फैक्ट डिस्कस किया है सो प्लीज गो विद इट हेलो हेलो
चलो डन, अगले सवाल पे जा रहा हूं। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विथ नो पेड अप शेयर कैपिटल फाइल्ड अ कंप्लेंट विथ नो नो पेड अप शेयर कैपिटल। नो पेड अप शेयर कैपिटल मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ड्यू टू विच इट वॉज लाइकली दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर विच विल बी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ 25 मेंबर्स। टोटल मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेर 100। ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट ऑफ द कंपनी मे बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ट्रांसफर और द डिस्पोजल ऑफ द असेट। The tribunal pass an order that such a transfer disposal of asset shall not be made during a period of 1 year of such order. Evaluate the on the basis of given fact following situation. Eligibility of the members to file a complaint. Kar sakte hai, koi dikkat nahi. Yes, they can make 100 members mein se 25 can apply kyunki humko to 10 hi chahiye. ठीक है। Whether if the management dispose of certain assets in contravention of the order of tribunal, section 180 applicable हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 180 के अंदर हमको जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ असेट या सेल ऑफ सब्सटेंशियल असेट ऑफ द कंपनी। क्लियर है, हमने 180 भी साथ में देखा था ना क्रॉस रेफरेंस में यहां पे। सो 180 का क्लॉज है विद नो पेड अप शेयर कैपिटल। नो पेड अप शेयर कैपिटल, नो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब गारंटी कंपनी है ये। सो कैन बी अज्यूम्ड एज अ गारंटी कंपनी। ठीक है, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, सेक्शन नंबर 180 भी आपको यहां पे थोड़ा बहुत कोट करना पड़ेगा। चल डन, आंसर पढ़ लेना, मैं अगले सवाल के ऊपर जा रहा हूं। थोड़ा सा मैं यहां पे फास्ट जा रहा हूं क्योंकि समय अपने पास काफी कम है और हमको दो तीन सवाल और सॉल्व करने हैं। अ ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ एसपी फाइनेंशियरीज लिमिटेड हैज मेड अ कंप्लेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड एंड निग्लिजेंस कॉजिंग ह्यूज लॉसेस टू कंपनी एंड डेट्रीमेंटल टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर। एग्जामिन द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्रेस द ग्रेवियंसेस ऑफ माइनॉरिटी। इट इज अबाउट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, आप इसको 241 में रिमूव कर सकते हो, 242 में रिमूव कर सकते हो, दोनों सेक्शन में रिमूवल चलेगा विथ नो कंपेंसेशन। ठीक है, यहां पे वही लिखा गया है, एसएम रामकृष्ण राव वर्सेस बैंगलोर रेस क्लब, वायोलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ एमओए बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कंपल्सरीली नॉर्मली लिखना है आपने इसको, फिर आंसर दिया है। अगला, एबीसी लिमिटेड यूज अ बिजनेस रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी शेयर होल्डर एंड कंप्लीटली एक्सक्लूडेड minorities from the affairs of the company. As consequence, minority member filed an application to tribunal to look into a matter on the regulation conducted by affairs of the company in the future. State the light of the Companies Act. The action taken is considered to be valid one for the mismanagement. ठीक है, answer check करना एक बार। In the given case discussed as below, ABC Limited used the business resources. ठीक है, as a consequence भी हो गया। The tribunal may on the application on any party to the प्रोसीडिंग मेक एन इंट्रीम ऑर्डर विच कैन थिंक फिट फॉर द रेगुलेशन कंडक्ट ऑफ द कंपनीज अफेयर अपॉन सच अ टर्म्स एंड कंडीशन एज इट अपियर्स टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल। ट्रिब्यूनल इंट्रीम ऑर्डर से कंपनी के अफेयर मैनेज कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 27, ऑन रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द कंपनी लॉ बोर्ड पास एन ऑर्डर ऑथोराइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इट्स नॉमिनी डायरेक्टर बैंगलोर कंप्यूटर लिमिटेड to safeguard the interest of the shareholder and public interest, referring to the provisions of the Companies Act 2013, state restrictions, if any, on the number of directors and the period for which such a appointment may be made. Also state, niche, state also the action that may be taken by company or central government with regard to the affairs of the company. ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर सीजी अपॉइंट करना चाहता था, स्टार मार्क करके रखिए, सवाल अच्छा है, एक बार आंसर रीड कर लीजिएगा, एंड में रीड कीजिएगा, अभी अपने पास समय नहीं है तो मैं थोड़ा सा फटाक करके आगे बढ़ता हूं क्योंकि एक सवाल और कवर करना है। मिस्टर सनशाइन ऑयल्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी ऑन 31 मार्च 2018 एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैविंग 200 डिपॉजिटर्स 200 डिपॉजिटर्स 50 करोड़ ऑफ डिपॉजिट इन अ कंपनी। 200 डिपॉजिटर्स है 50 करोड़ का डिपॉजिट। आउट ऑफ 200 20 डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड अपॉइंटेड मिस्टर राम not one of the depositors as the representative to file a petition to NCLT
टू ब्रिंग अ क्लास एक्शन सूट अगेंस्ट द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। हमें तो 5% ही चाहिए, यहां तो 10% कंप्लाई किया है, सो 10% ऑफ डिपॉजिटर्स ने अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन इज वैलिड, वैलिड एप्लीकेशन। तो हमें तो 5% ही चाहिए ना, 5% ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स या 5% ऑफ डिपॉजिटर्स इन नंबर या 100 डिपॉजिटर्स, विच एवर इज लोअर, साइड में चाहिए तो लिख के रखो 100 डिपॉजिटर्स और 1/10 इन नंबर और 1/10 ऑफ वैल्यू। क्लियर है? सो डिपॉजिटर्स आफ्टर ओपनिंग ऑपरेसिव विल एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर राम बी एडमिटेड बाय ऑनरेबल ट्रिब्यूनल? यस, इट कैन बी एडमिटेड, चलेगा। तो इसका भी मैंने आंसर देकर रखा है, देखो 245 का 100 डिपॉजिटर्स, इसमें शायद लिमिट गलत हो सकती है, उसको चेक कर लेना। सच अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो यहां लिखो 5%, नो सच अ परसेंटेज प्रिस्क्राइब को आप कट कर दो, 5% ऑफ डिपॉजिटर्स और यहां पे भी नो परसेंटेज को कट करके 5% ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स, ये चेंज कर देना। लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों में सेम ही है, फिर नीचे डिसीजन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। आंसर मैं पढ़ लेता हूं चाहिए तो, सिंस द एप्लीकेशन इज मेड बाय 100 डिपॉजिटर्स इट इज लायबल टू रिजेक्ट। नहीं नहीं, इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा, यहां आंसर लिखिए, यहां 100 डिपॉजिटर्स के हिसाब से आंसर दिया है तो यहां लिखना, यहां आंसर में लिखना, मैं डिक्टेट करता हूं। As application is made by 20 depositors, which is more than 5% of total number of deposit holders, the application is valid in law. First of all, और ये नीचे का जो नोट दिया है उसको भी कट कर देना, आंसर को कट कर देना, आंसर की जगह पे नया आंसर आएगा। सो यहां पे आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर खत्म होता है। एंडेड में थोड़े 2-3 क्वेश्चन मैंने फास्ट लिया आई नो, क्योंकि हमको स्पेसिफिक समय में इसको मैनेज करना था एक हाफ लेक्चर के अंदर, और एक लेक्चर थोड़ा एक्सीड हो रहा था, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, मैंने मैक्सिमम चीजें डिस्कस की और मैक्सिमम थोड़ी बहुत चीजें तो रिपीट ही है, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। चल सो यहां पर क्वेश्चन एयर लेक्चर आपका बच्चों खत्म होता है। रेगुलर बैच वाले कल का होमवर्क किया के रीडिंग का देखना और सोलबुक निकाल लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एयर वालों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। रेगुलर बैच वाले स्टे ट्यून्ड, लगे रहो, ठीक है, सोल बुक निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए, तब तक मैं इसको संभालता हूं।